साथियों आने जा रही है 98,000 नई वैकेंसी पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस से संबंधित। इस वायरल खबर के ऊपर ये एनालिसिस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है, जो ये नोटिस वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, आ भी सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए। इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है 30 जुलाई को ये नोटिस रिलीज किया गया है और ये नोटिस रिलीज किया गया है कि ये वैकेंसीज निकालनी है आयोग को। वो नोटिस क्या है, इसमें आप सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, सब्जेक्ट है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस से संबंधित। तो इसमें कोई ये तो डाउट नहीं है कि ये नोटिस गलत है, ये नोटिस तो सही है, लेकिन क्या ये वैकेंसीज आपको एक साथ देखने को मिलने वाली है, इसी चीजों पर हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024-25 की ये नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये जो वैकेंसी की बात होने वाली है ये पिछले कई सालों से अब निकलने या तब निकलने वाली बात है यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी निकली नहीं है। वजह क्योंकि अभी तक होता ये है, ये जो पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस की पोस्ट है ये प्रमोटेड होती है, अपने निचले पदों से आगे ये प्रमोट होकर बन जाते हैं, इसीलिए अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि ये वैकेंसी अब डायरेक्टली रिक्रूट की जाएंगी रिटर्न एग्जाम के थ्रू, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि वैकेंसी आ सकती है। कितनी वैकेंसी बताई जा रही है, ये वैकेंसी बताई जा रही है आपको 98,000 से ज्यादा। ये सच है कि लगभग 1,00,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली है इंडिया पोस्ट ऑफिस में इन तरह के पदों पर, लेकिन इसमें है क्या कि क्या 98,000 एक साथ भरे जाएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वजह क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट को भरा जाना है। जैसे कि अगर हम 2022 की नोटिस को पढ़ें तो उसमें ये बताया गया था कि 2023-24 में आपको लगभग 40,000 के आसपास नई वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस की। इसमें से मेलगार्ड और पोस्टमैन और एमटीएस की वैकेंसी, लेकिन 2023 में भी नहीं आई, 24 चल रहा है। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये 98,000 वैकेंसीज देखने को आपको मिलने वाली है, तो ये मान के रखिए 98,000 वैकेंसीज एक साथ तो नहीं आने वाली, लेकिन इतना तय है कि ये वैकेंसीज आपको तीन भागों में देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी में कुल कितने पद होंगे, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप किसी ऐसी चीजों के बारे में ना समझें जो चीज आपको जो है एक्सपेक्ट करे कि नहीं बहुत ज्यादा होने वाली, मतलब कहने का ये है कि वैकेंसी अभी आने वाली नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि वैकेंसी आएगी जरूर अगर सब कुछ सहा रहा, क्योंकि इस बार प्रमोशन के साथ साथ ये बाहर से भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस पद में कुल, इस पोस्ट में कुल कितने पद निकलने वाले हैं, वो है लगभग 98,000 या 1,00,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसकी एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, चूंकि हर पद का क्वालिफिकेशन अलग है तो मैं आपको अलग अलग इसको यहां से समझाने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। आइए देख लेते हैं। देखिए अगर बात करेंगे कुल पदों की तो देखिए 98,000 मैंने यहां लिखा हुआ है जो पुरानी अभी डिटेल है या जो नोटिस के माध्यम से बताया गया है, लेकिन अगर हम बात करें कुल पदों की तो लगभग 1,00,000 से ज्यादा यहाँ पर पद आपको देखने को मिल सकते हैं। वो कौन कौन से पोस्ट होंगी, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के अलग अलग पद हो सकते हैं, जिसमें से लगभग 57,019 पद जो हैं वो पोस्टमैन के ही खाली हैं। अगर आप पोस्टमैन में अगर सब कुछ सही रहा और डायरेक्ट भर्ती होती है तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी, आपकी चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप पोस्टमैन में फॉर्म भर सकते हैं। एज कितनी चाहिए आपकी, एज चाहिए 18 से 27 साल। अच्छा, एज का क्राइटेरिया अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 18 से 27 ही होगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर 3 साल 5 साल 10 साल का होगा। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है, और अगर आप PWD से आते हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलती है। 18 से 40 के लिए भी उम्मीद है, लेकिन वो बहुत कम है। सैलरी की बात करें अगर पोस्टमैन की तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम मिलती है। इन हैंड सैलरी आपको लगभग यहाँ पर 27,000 से 28,000 रुपए मिलेगी, सेंट्रल वैकेंसी है। बात करें अगर मेल गार्ड के पदों की तो मेल गार्ड के कई पद आने वाले हैं, जिसमें से लगभग 2,000 के आसपास पद हो सकते हैं। पुराना डेटा जो है उसमें 1,125 पद के बारे में मेंशन है,
लेकिन हो सकता है 1 लाख पद भी हो तो उसमें यहाँ पर आपको 2000 के आसपास भी दिख सकते हैं। मेल गार्ड की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप 12th पास होने चाहिए और उसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर का एक छोटा कोर्स भी किया हो, जैसे कि आपका DCA वगैरह होता है, DCA नॉट BCA। एज की बात करें तो 18 से 27 यहाँ पर भी है, लेकिन इसकी सैलरी भी सेम है, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में यहाँ पर आपकी सैलरी मिलने वाली है। बात करें अगर यहाँ पर MTS की, तो MTS में भी जो है अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल सकते हैं, 41,539 पदों पर यह भर्ती होनी है। अगर 1 लाख से ज्यादा आती है तो वैकेंसी ऊपर नीचे जरूर होगी, बढ़ेगी। इसमें जो योग्यता चाहिए वो है 12th पास आउट, और इसमें भी एक कंप्यूटर छोटा मोटा कोर्स चाहिए, जैसे कि DCA, ठीक है। एज वही है 18 से 27, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है, तो हो जाती है 18 से 30, 18 से 33 और 18 से 37। इसकी सैलरी आपको 18,000 से 57,000 के बीच में मिलने वाली है, क्योंकि MTS की सैलरी मेल गार्ड पोस्टमैन से कम होती है। इन हैंड सैलरी आपको करीब यहाँ पर 24 से 25,000 के आसपास मिल सकती है। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि क्या है 30 जुलाई 2024 की सच्चाई, वो सच है, उसमें कोई फेक, कोई फ्रॉड, कोई भी मॉफ चीज नहीं है। लेकिन इतना ये तय है कि ये जो नोटिस है ये निकाला गया है जो 30 जुलाई को, ये इस बारे में है कि आप डेटा कलेक्ट करके आयोग को दीजिए कि कहां पर कितने पद खाली हैं टोटल। तो वो अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, इसका वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाया था, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 98,000 वैकेंसीज एक साथ आपको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर कटिंग होगी, जरूर होगी, हो सकता है यहाँ पर आपको 20-30 हज़ार वैकेंसी दिखाई दे, 10-20 हज़ार यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको 1,000 आसपास दिखे, तो ये 2 या 3 भागों में वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। आई होप कि आपको सारी बातें A to Z क्लियर है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में आता है तो आपको आप ही के चैनल पर इतिहास क्लासेस पर सारी डिटेल मिल जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक, फोटोज और वीडियोज अपलोडेड मिलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई और गवर्नमेंट जॉब की नई अपडेटेड वैकेंसी की डिटेल के बारे में। धन्यवाद।